साल 2004 से 2009 के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। ये बात तो आम है कि लालू प्रसाद यादव एक सजायाफ्ता अपराधी हैं जो बेल पर जेल से बाहर है। अब एक और घोटाले के मामले में लालू का पूरा परिवार निपट सकता है। मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम का। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव भी आरोपी हैं। अब सीबीआई का शिकंजा तेजस्वी यादव पर भी कस गया है। ऐसा ही कुछ बिहार में साल 2017 में देखने को मिला था और इसी के आधार पर उस वक्त नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया था। हालांकि अब मामला आगे बढ़ गया है और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट भी आ गई है। हम आपको बताने वाले हैं कि चार्जशीट में क्या क्या है और तेजस्वी की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं, साथ ही क्या लालू यादव का परिवार जेल जा सकता है। सीबीआई ने बीते सोमवार को ही दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में लालू यादव और राबड़ी देवी को तो आरोपी बनाया ही है, अब आरोपी की लिस्ट में तेजस्वी यादव का भी नाम जुड़ गया है। ये पहला मौका है जब इस केस में तेजस्वी पर शिकंजा कसा है। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया था और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तो उन्हें रेगुलर कर दिया गया। अब आपको बता देते हैं कि मामले में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें क्या दर्ज है। सीबीआई ने इस मामले में ये दूसरी चार्जशीट दाखिल की है। लालू परिवार के सदस्यों के अलावा मामले में कुछ सरकारी अधिकारी भी आरोपी हैं। वो लोग भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने नौकरी के लिए जमीनें दी थी। ये सारी जमीनें एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के जरिए ली गई थी। आरोप ये हैं कि सस्ती दरों पर जमीनें ली गई और इसके बाद जिन लोगों की जमीनें थी उनके घर वालों को रेलवे में नौकरी मिली और वो पक्की हुई। आरोप ये हैं कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे ग्रुप डी में लोगों को सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया था। जमीनें देने वालों के घर के लोगों को बाद में परमानेंट कर दिया गया। ये भी आरोप है कि जो जमीनें दी गई थी वो सभी ऐसी कंपनी को बेची गई जो लालू परिवार के एक करीबी की थी और इसमें बाद में राबड़ी देवी ने काफी ज्यादा शेयर खरीदे थे। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि जोनल रेलवे में सब्स्टिट्यूट की भर्ती के लिए कोई एडवर्टीजमेंट या पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया था, फिर भी लोगों को इस मामले में नौकरी मिल गई। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान एक हार्ड डिस्क भी बरामद की गई थी जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम थे जिन्हें नौकरी पर रखा गया। अब बात करते हैं कि तेजस्वी यादव पर क्या आरोप लगे। जिस कंपनी को लोगों ने अपनी जमीनें सस्ती दरों पर बेची या गिफ्ट की थी उस कंपनी का मालिकाना हक 1,00,000 रुपए में तेजस्वी यादव और उनकी माँ राबड़ी यादव को मिल गया था। हालांकि कंपनी के पास उस वक्त 1,77,00,000 की जमीनें थी और सिर्फ 1,00,000 रुपए में मालिकाना हक बदल गया। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि पटना में 1,05,00,000 वर्ग फीट का एक प्लॉट लालू यादव के परिवार के सदस्यों ने नगद भुगतान करके खरीदा था। सीबीआई ने चार्जशीट में दावा किया है कि रेलवे के मानदंडों, दिशा निर्देशों और प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए उम्मीदवारों की अनियमित और अवैध नियुक्तियां की गई। मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल हुई है और इस बार तेजस्वी यादव का भी नाम आ गया है। मामले में लालू यादव समेत परिवार के 5 लोग नामजद हैं। केस में सुनवाई आगे बढ़ती है और अगर कोर्ट फैसला सुनाता है तो हो सकता है कि लालू फैमिली जेल में हो। अगर ऐसा होता है तो आने वाले 2024 के चुनावों की जो तैयारियां विपक्ष कर रहा है उस पर पानी फिर सकता है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के बूते जो आरजेडी नई परवान के अरमान देख रही है वो भी जमींदोज हो जाए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।